हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रारी आप लोगों का अग्रारी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन। ये हमारा करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन का पार्ट नंबर 3 है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग पार्ट नंबर 1 को देखिए, फिर पार्ट नंबर 2 को देखिए, उसके बाद आप लोग पार्ट नंबर 3 को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग रूल को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल था रूल नंबर 21। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 21 क्या कहता है आप लोग समझिए। मैनी, जैसे मैनी ए और एन प्लस, जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है मैनी ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, किस रूप में हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके लिए जो भी प्रोनाउन जाएगा, जो भी एडजेक्टिव जाएगी वो सिंगुलर जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मैनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटल, इन द बैटल फील्ड। तो इसमें आप लोग देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, मैनी ए और एन। तो आप लोगों को पता होगा कहां पे हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं और कहां पर आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे अगर कहीं पर जो साउंड है, साउंड कॉन्सोनेंट की हो, किसकी हो, कॉन्सोनेंट की, तो वहां पर आर्टिकल ए का यूज होता है। और अगर साउंड वॉवेल की हो, यानी कि वॉवेल साउंड आ रहा हो, वॉवेल साउंड, तो इन केस ऑफ वॉवेल साउंड आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। आप लोग इस बात को समझ लीजिए। तो यहां पे सोल्जर यानी कि एस, और एस क्या है, एस क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट होने के कारण यहां पे आर्टिकल ए का यूज हुआ है। अब इसका यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, मैनी या सोल्जर, हैज मेट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब जाएगी मेट। अब जो भी प्रोनाउन जाएगा या जो भी एडजेक्टिव जाएगी वो भी सिंगुलर जाएगी, तो यहां पर सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हुआ है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 22। कौन सा रूल है, रूल नंबर 22। यू एंड आई का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, समझिए जैसे यू है एंड आई, इसका यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो आप लोग क्या करेंगे बताइए।
रूप में हो, तब हम लोगों का जो भी, देखिए एक देखने में प्लूरल लग रहा है, कैसे? क्योंकि यू एंड आई एक से अधिक हो गए, तो अब तो प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल होएंगे तो जो भी चीज़ें जाएंगी, ए आई है यानी कि फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? बी। अब जो भी जाएगा यानी कि जो भी प्रोनाउन जाएगा, जो भी एडजेक्टिव जाएगी, वो सब फर्स्ट पर्सन प्लूरल का ही यूज होगा। क्या क्या जा सकता है? नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन बी का यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो अस, आर, आवर्स, आवर सेल्व्स और सेल्व्स का प्रयोग, यानी कि हमें जिस चीज की जरूरत होगी, यानी कि जिस केस में जिस चीज की जरूरत होगी, हम लोग उसी चीज का, यानी कि जरूरत के मुताबिक इसका यूज करेंगे। प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है, ठीक है? जरूरत के मुताबिक होता है। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे लिखा हमने यू एंड आई, क्या लिखा? यू एंड आई मस्ट ओबे, मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। अब आप लोग इस सेंटेंस को देखिए और इसमें एरर फाइंड आउट करने का प्रयास करिए, बताइए इस सेंटेंस में एरर पार्ट कहाँ है। आप लोग देखिए, रूल को पढ़िए, रूल को समझिए। जैसे यू एंड आई यूज किया गया मस्ट, यानी कि यू एंड आई, अब जो भी जाएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल एडजेक्टिव का ही यूज होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है एक कैसा है, सिंगुलर है, बट हमको तो चाहिए प्लूरल, और प्लूरल किसका? फर्स्ट पर्सन का। किस केस में? पोसेसिव केस में। तो क्या हो जाएगा? और, क्या हो जाएगा? और पेरेंट्स। तो करेक्ट कैसे हो जाएगा? करेक्ट फॉर्म हम लोग इसके लिखते हैं, यू एंड आई मस्ट ओबे, मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। आवर पेरेंट्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल यानी कि रूल नंबर 23। अब रूल नंबर 23 क्या कह रहा है? यू एंड ही का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। अब तक हमारा यू एंड आई था, अब अगर यू एंड ही का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, जैसे कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यू एंड ही का प्रयोग हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो आप लोग बताइए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। इसमें देखिए यू एंड ही, तो ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो देखने में तो यू एंड ही कैसा हो जाएगा? एक से अधिक यानी कि प्लूरल। अब जो कुछ भी जाएगा यू के अकॉर्डिंग, यू का सिंगुलर केस भी यू होता है, उसका प्लूरल भी यू ही होता है, तो यू के अकॉर्डिंग जाएगा। नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी यू, ऑब्जेक्टिव केस में योर, सॉरी पोसेसिव केस में योर, पोसेसिव प्रोनाउन इसका योर्स, और हम लोग योर सेल्फ सिंगुलर है, योर सेल्फ और योर सेल्व्स का प्रयोग जरूरत के मुताबिक करते हैं। जरूरत के मुताबिक होता है, ठीक है?
चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इसका एग्जाम्पल यू एंड ही, यू एंड ही हैव डन, यू एंड ही हैव डन दियर होमवर्क। अब आप लोग बताइए इस सेंटेंस को हम लोग कैसे करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक सेंटेंस दिया है, ये है यू एंड ही का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, हम लोग इसमें रूल को अप्लाई करेंगे। तो रूल में क्या कह रहा है, जो भी जाएगा वो सेकंड पर्सन का प्लूरल ही जाएगा, सेकंड पर्सन का प्लूरल जाएगा। तो इसमें देखिए एरर पार्ट कहाँ है, इसमें ए रहा है एरर पार्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव होगा क्या होगा, योर हो जाएगा, योर हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दियर के स्थान पे हम लोग योर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल यानी कि रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 समझिए, रूल नंबर 24 क्या कह रहा है, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ही एंड आई का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, ही एंड आई का प्रयोग हो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, तो इसके लिए, इसके लिए क्या यूज होगा, आप लोग बताइए। इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ, प्लूरल प्रोनाउन एंड प्लूरल एडजेक्टिव, ठीक है, और वो भी किसका, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, ठीक है, किसका प्लूरल जाएगा, फर्स्ट पर्सन का। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं क्या क्या होएगा। जैसे वी, अस, और ours, ourselves, ourselves। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ही एंड आई डू आवर लेसन ourselves। अब इसमें देखिए ही एंड आई का प्रयोग सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, रूल क्या कह रहा है, जो भी जाएगा प्लूरल प्रोनाउन जाएगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो यहां पर पोसेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, और यहां पर जो भी रिफ्लेक्सिव केस हुआ यूज हुआ है वो भी फर्स्ट पर्सन के, सॉरी यस, वो भी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यूज हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस करेक्ट है। चलिए हम लोग रूल नंबर 25 देखते हैं। रूल नंबर 25 क्या कहता है, अगर यू ही एंड सी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, किसका, यू ही एंड सी, ठीक है, यू ही एंड सी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके लिए जो भी प्रोनाउन जाएगा प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, और जो भी एडजेक्टिव जाएगा वो भी प्लूरल ही एडजेक्टिव जाएगा। और देखिए ए थर्ड पर्सन है, ए थर्ड पर्सन है, तो जो भी जाएगा वो इस सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जाएगा, किसके, सेकंड पर्सन का सारा जाएगा। सेकेंड पर्सन के हिसाब से जाएगा, ठीक है, यानी कि यू, योर, योर्स, योरसेल्फ का प्रयोग हम लोग जरूरत के मुताबिक करेंगे। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। यू ही एंड सी, यू ही
एंड सी गो टू दियर स्कूल इन टाइम दियर स्कूल इन टाइम। अब आप लोग इस सेंटेंस को देखिए और इसमें एरर फाइंड आउट करने का प्रयास करिए। देखिए यू ही एंड सी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। रूल क्या कह रहा है, जो भी जाएगा वो सेकंड पर्सन का जाएगा, तो देयर किसका है, थर्ड पर्सन का है ना। तो इस तरह की एरर हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हमें इसे सुधार करना है, हमें इसे इम्प्रूव करना है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसका यूज होगा। यहाँ पे योर का यूज होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 क्या कह रहा है। अब जैसे यू है, ही है एंड आई का प्रयोग, आई का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्या होगा। जो कुछ भी जाएगा, यानी कि वो तो प्लूरल जाएगा, जो भी प्रोनाउन जाएगा, जो भी प्रोनाउन जाएगा, प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी जाएगा वो कैसा होगा, प्लूरल। और किसका प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। आप लोग इस रूल को एनालिसिस करिएगा, इस रूल को एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमारी जो चीजें जा रही हैं वो किसके अकॉर्डिंग जा रही हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जाएगा। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है यू यू ही एंड आई, यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक है। इसमें देखिए यू ही एंड आई सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, जो भी जाएगा प्लूरल जाएगा, किसका प्लूरल जाएगा, फर्स्ट पर्सन का। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग पोसेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ी, पोसेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ी, तो यहां पर आर का यूज कर दिया गया। इस तरह से आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 27। अब जैसे 27 क्या कह रहा है, एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन है। तो हमने बताया कि जो भी प्रीपोजिशन होता है, जो भी प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता ही है। तो चलिए हम लोग इस रूल को भी समझ लेते हैं, एक्सेप्ट के बाद, रूल नंबर 27 कह रहा है कि जैसे जो एक्सेप्ट है, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एवरीवन अटेंडेड the party except him, the party except him। अब इसमें आप लोग देखिए, ये जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट के बाद
ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 28। सच एज क्या होता है? सच एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किसका यूज होता है? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही। ठीक है, इस बात को आपको समझना है कि जो सच एज होता है ना, सच एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसको रॉन्ग करने के लिए आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगा करके दे देगा, तो अब आपको सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सच एज के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस का आएगा। चलिए हमारे पास एक रूल और है, हम लोग उस रूल को भी समझ लेते हैं। रूल नंबर 29 क्या कह रहा है? बी यू एंड दे प्लूरल प्रोनाउंस का प्रयोग। समझिए, जैसे बी है, यू है तथा दे प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग का एक साथ प्रयोग करना हो तो, अगर बी है, यू है, दे है, इनको हमें एक साथ प्रयोग करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले बी का यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग यू का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद यू, और जो अंत होता है अंत में दे का प्रयोग करते हैं। ये ऑर्डर है, इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, दे का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है बी यू एंड दे। ठीक है, बी हमें इसी सीक्वेंस में यूज करना है। ठीक है, बी यू एंड दे मस्ट वर्क टूगेदर, इस तरह से हमने यहां पे देखिए इसी सीक्वेंस में यूज हुआ है, हमें इसी सीक्वेंस में यूज करना है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने समझा कि जो भी प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का यूज हम लोग कैसे करते हैं और कहां पर करते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन कहां पर है किसी सेंटेंस में, तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।